everyone, welcome to another video. I am going to talk about Pratap Singh. He was the son of Ranveer Singh. We all discuss about the Ranveer Singh contribution towards the Jammu and Kashmir. Now we will discuss about Pratap Singh. Pratap Singh ही किसका बेटा था? रणबीर सिंह का बेटा था, जिसने रूल किया था 1885 से लेकर 1925 तक. कहते हैं जो बेगार सिस्टम जो चालू किया गया था, जिसमें पेमेंट नहीं मिलती थी लेबर्स को, उसको अबॉलिश करने वाला कौन था? ये बंदा प्रताप सिंह था. और उसको रिफॉर्म्स लाने वाला बंदा कौन था? ये गुलाब सिंह था. आज कहते हैं 1891 में जो चित्राल जगह नाम थी, उस पर किसने ओवरटेक किया था? इसी बंदे ने ओवरटेक किया था जो आज चित्राल कहाँ पे है? पाकिस्तान में. वो वाला एरिया उसके अंडर आ गया था, प्रताप सिंह के अंडर. और कहते हैं जो न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो किया गया था किस जम्मू कश्मीर में, किसके अंडर किया गया था? सर वॉल्टर लॉरेंस के अंडर में. ही वॉज एन अ कमिश्नर. उसने ही क्या किया था यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था उसको अच्छे से कंप्लीट किया था. अच्छे से कहते हैं ये जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को जो आइडिया जिसने प्रपोज किया था वो बंदा कौन था? एंड्रयू विंगेट जो था उसने ये आइडिया प्रपोज किया था 1887 में. हालांकि इसको कंप्लीट करना वेरी डिफ़िकल्ट, कोई भी काम को प्रपोज करना इजी, बट उसको इस तरह से मतलब कि काम में लाना या उसको वर्क करना उस पर इट्स डिफ़िकल्ट. जो सर वॉल्टर लॉरेंस के अंडर ही हुआ था. अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे जम्मू में. तो बनिहाल कार्ट रोड जो था वो इसने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था. और कहते हैं इसमें जो इंजीनियर काम कर रहा था उसका नाम था पंडित लक्ष्मण जोटिकू. तो ये बंदा जो था वो इंजीनियर था जिसने 1915 में बनिहाल कार्ट रोड को स्टार्ट किया था. एंड इट वाज कंप्लीटेड इन द 1915 में ही शुरू किया और 1915 में ही इसको कंप्लीट कर लिया. पंडित लक्ष्मण जो टीकू जो था उसने एक इंजीनियर था जिसको महाराजा प्रताप सिंह ने लाया था अपने इस रोड को बनाने के लिए. आज इस रोड को क्या कहा जाता है ये हमें बताना. और ये पहले जो ये बनिहाल कार्ट रोड जो था वो पहले किसके लिए था? ये सिर्फ वो प्राइवेट रूट था. किसका? प्रताप सिंह का या कोई भी महाराजा अगर हो तो उनका. पर ये 1922 में ये पब्लिक यूज़ के लिए आ गया, मतलब कि यहाँ पे पब्लिक भी जा सकती है. इस तरह से ये रूट बन चुका था. अब झेलम वैली है जो वहाँ पे जो कार्ट रोड है, झेलम वैली को भी के पास में पड़ने वाला जो रोड है वो दैट इज़ अ कार्ट रोड. उसको इम्प्रूवमेंट कंस्ट्रक्शन इन्हीं ने करवाया था. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. आगे बढ़ें तो इन्होंने टेलीग्राम लाइंस फॉर एक्सटेंडर एंड टेलीफोन एस्टैब्लिश कनेक्शन. तो इन्होंने क्या किया था, जो टेलीग्राम थे या क्या कहते हैं टेलीफोन फैसिलिटीज़ थी वो इन्होंने जे एंड के में शुरू की थी. और लोग अच्छे से मतलब कनेक्टिविटी कर पाए इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया था. एंड टूरिज़म को बूस्ट मिले इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट करवाई थी, हाउस बोट कंस्ट्रक्ट करवाई थी. हाउस बोट कहाँ पे? श्रीनगर में. अब ये क्वेश्चन है हाउस बोट के रिलेटेड कि फर्स्ट हाउस बोट का क्या नाम रखा गया था? दैट इज़ द कश्मीर प्रिंसेस. एंड कहते हैं जो प्रताप सिंह थे उन्होंने पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जिसमें कहाँ पे शुरू किया था? मोहरा में. एंड इसको कमीशन किया और इसका स्टार्ट किया गया 1905 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को. और इसमें कहते हैं जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो शुरू में 4 मेगावाट थी. लेटर ऑन इसका रिवाइवल हो गया और 9 मेगावाट हो चुका है. एंड ये जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है ये कौन सी रिवर के पास लगा हुआ है? तो दैट इज़ अ लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर, झेलम के लेफ्ट बैंक पे लगा हुआ है. झेलम
झेलम का जो वाटर है वो किसको मिलता है? पाकिस्तान को मिलता है, बट उस टाइम पे ये हमारा ही होता था। तो लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर जो है झेलम में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और ये कश्मीर के नॉर्थ साइड में पड़ता है, ये हमें पता होना चाहिए। कहते हैं ये जो, ये तो हमें पता ही है जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसमें तीन छः नदियों का पानी जो होता है, तीन नदियों का पानी जो इंडिया को मिलता है और तीन नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है, ये कौन करता है? बंटवारा ब्रिटिश और कंपनीज करती हैं। तो इस तरह से जो है ये हमें पता होना चाहिए। उसमें से जो झेलम थी पाकिस्तान के अंडर अभी जो जाती है, उस टाइम पे ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सब वो स्टार्ट किया गया था, बस इतना पता होना चाहिए। अब इन्हीं के टाइम पे मिशन स्कूल या मिशन एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई थी। मोहर तो हमें पता चल गया कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये अभी एजुकेशन की बात कर लें तो उन्होंने एजुकेशन में क्या इंट्रोड्यूस किया, मिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए, जिसने उन्होंने इसको स्टार्ट इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था प्रताप सिंह को, तो दैट इज़ रैव डॉक्सी ने इंग्लिश स्कूल को इंट्रोड्यूस किया कि इंग्लिश स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा चलें। और जम्मू में भी एक कॉलेज खोला गया, दैट इज़ अ प्रिंस वेल कॉलेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया करती थी, वहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रेजेंटली उस कॉलेज का नाम, प्रिंस वेल कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट गांधी साइंस कॉलेज। एक और चालू किया था महारानी महिला कॉलेज, वो वुमेन कॉलेज परेड से नाम से जाना जाता है, ये इन्होंने नहीं किया था। श्री प्रताप कॉलेज इन श्रीनगर इंट्रोड्यूस बाय प्रताप सिंह, ये भी कॉलेज इन्होंने इंट्रोड्यूस, इन्होंने श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर में बनाया था, एंड इनके नाम का ही म्यूज़ियम श्रीनगर में खोला गया था इन 1898 में। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे कॉलेज का निर्माण किया। कहते हैं इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इस्टेब्लिश किया था 1891 में इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और इसको ऑपरेशनल भी कर दिया था करीब 4 साल बाद 1895 में। और कहते हैं 1911 में फॉरेस्ट स्कूल वर डेवलप्ड इन बांदीपुरा में इन्होंने फॉरेस्ट स्कूल्स को ओपन किया। और कहते हैं 1894 में क्या हुआ था, स्मॉल पॉक्स की जो फेमाइन थी वो बहुत फैल चुकी थी, इसके लिए इन्होंने वैक्सीनेशन, जिस तरह से अभी कोरोना चल रहा है तो वैक्सीनेशन एक्सटेंसिव स्केल पे किया गया था, उसी समय जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी वो उस टाइम पे बहुत चल रही थी 1894 में, तो इन्होंने वैक्सीनेशन एक्सटेंसिव स्केल पे किया था। सिल्क इंडस्ट्री सेटअप की गई श्रीनगर में 1907 में, और सेरीकल्चर को प्रमोट किया, सेरीकल्चर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कहते हैं सेरीकल्चर को, और 1897 में इनको स्टार्ट किया गया, एंड बहुत ज़्यादा लेवल तक इन्होंने क्योंकि डेवलपमेंट की सेरीकल्चर की, और 1907 तक आते आते सिल्क में बहुत ज़्यादा प्रमोशन लाई इन्होंने, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को बैलेंस करने लगा, सिल्क को इतना प्रमोट कर दिया था इन्होंने। 1909 में जम्मू में इन्होंने भी सिल्क को इंट्रोड्यूस करा था, श्रीनगर के बाद जम्मू में यहाँ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और जो सिल्क इंडस्ट्री इतना मतलब डेवलप कर चुकी थी, इकोनॉमी को बूस्ट कर रही थी, तो इनको क्राउन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की जो क्राउन थी उन्होंने इनको गोल्ड मेडल दिया था। और किसको मिला था, सिल्क इंडस्ट्री जो जम्मू में बनी थी उसको। इन्होंने जो है फ्लड कंट्रोल करने के लिए इरिगेशन फील्ड्स में योगदान दिया था, किस तरह से जो रणबीर कैनाल थी ना जम्मू की, उसमें इन्होंने जो है वो बनाए, रणबीर कैनाल बनाई, जिससे कि जो वाटर है फ्लड प्रोन एरियाज हैं उसमें स्टेबिलिटी आ जाए। और उन्होंने उज कैनाल कंस्ट्रक्ट करवाया 1915 में, और 23 तक इनका फिनिशमेंट हो गया, एंड उज डैम भी बनाया गया, उज कैनाल के साथ डैम भी इस्टेब्लिश किया गया। और उज क्या है, उज रिवर है जम्मू कश्मीर की, जम्मू की जो रावी की ट्रिब्यूटरी कहलाती है उज रिवर, ठीक है जी। जम्मू की जो लॉन्गेस्ट प्रोमिनेंट रिवर है दैट इज़ चिनाब रिवर। एंड कहते हैं जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो प्रताप सिंह है उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी थी, कॉलेज, म्यूजियम्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सिल्क इंडस्ट्री, वैक्सीनेशन सेंटर एंड
फ्लड कंट्रोल के लिए उज रिवर्स कैनाल एंड यू नो ट्रीटी प्रोजेक्ट, वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने, फिर बहुत सारे इंग्लिश स्कूल्स खोले गए, टूरिज्म हाउस बोट जो है उन्होंने खोली, फिर उसके बाद जो है बेनिहाल काट रोड जो है वो जम्मू श्रीनगर हाईवे मेगार सिस्टम को पॉलिश किया गया, चित्राल को मतलब कि अपने कब्जे में लिया गया। इस तरह से जो प्रताप सिंह था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट वर्कर था। 1925 तक उसकी डेथ हो जाती। अब इसके बाद जो है इसका जो बेटा है वो नहीं होता, वो उसकी डेथ हो गई होती। अब इसके बाद है इसका ही नेफ्यू हरी सिंह यहाँ पे गद्दी में आएगा। तो हरी सिंह की बात हम अनदर वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।